नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, जो भी लड़के एसएससी जीडी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी जो नया वैकेंसी आएगा उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन लड़कों ने बहुत ही ज़्यादा ऐसे मैसेजेस किए थे कि भैया हम जो है जीके जीएस किस तरह से जो है इसके सवाल आएंगे जीके जीएस के, तो उसको जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ठीक है, तो उसको किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि हमारा जो है एग्ज़ाम में आसानी से क्लियर हो जाएंगे, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ। मैं कुछ आपको ऐसे सवाल बताने वाला हूँ जिससे कि आप जो पिछले बार अभी जो है एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें आए हैं, और जो है आपको एक सिलेबस भी उसका जो भी है कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है वो सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपके जो भी है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके जो भी है सवाल देखना जीके जीएस के किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो इसमें है भारत का पहला, इसका जो सवाल है पहला, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से जो है इसके सवाल आते हैं, जो आप लोगों को पता ही है मुंबई इस भारत का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये भी आप लोगों को पता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, जो कि क्षेत्रफल में, ठीक है, क्षेत्रफल में है ये, ठीक है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है, आप लोगों को पता ही है ये जो है 29 राज्य पहले थे लेकिन अभी जो है 28 है। ये 28 क्यों है आप लोगों को पता है, जैसे कलम 370 हटाया था तो उसमें जो है जम्मू कश्मीर राज्य को हटा करके जो भी है वहाँ पे एक राज्य कम करके जो है दो केंद्र शासित प्रदेश जो है बढ़ा दिए थे, ठीक है, इसीलिए जो है 29 से है एक कम हो गया। उसके बाद जो है अभी नेक्स्ट सवाल है आपका, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, पहले 7 थे, अभी जो है दोस्तों आप लोगों को पता है 8 हो गए हैं, ठीक है, सॉरी 9 हो गया है, ठीक है, आप लोगों को ये अभी पता है। उसके बाद जो है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी आप लोगों को पता है दोस्तों गंगा है, ठीक है। इस तरीके से सवाल आते हैं एसएससी जीडी में, ये आप लोग देख लेना, अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें ये इस तरीके से जो है सवाल आए हुए हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद भारत का सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी है, तो चौड़ी नदी आप लोगों को पता है ब्रह्मपुत्रा जो है भारत की सबसे जो भी है चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा मीनार, यहाँ पे मीनार पूछा है, ठीक है, तो मीनार जो है चार मीनार आप लोगों को पता ही है कि सबसे ऊंचा मीनार है, ठीक है, ये मीनार पूछा है सबसे, इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध आप लोगों को पता होगा हीराकुंड बांध है, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध है। इस तरीके से जो है सवाल आते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पूछा है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, भारत की सबसे लंबी सुरंग ये है दोस्तों चेनानी नेशारी सुरंग, ठीक है, इस तरीके से सवाल आते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, ठीक है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय ये मुंबई में स्थापित हुआ था, ठीक है, इसका आंसर है मुंबई, ठीक है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो इसका आंसर है कमलजीत संधू, ठीक है, इस तरीके से सवाल है। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद भारत की प्रथम महिला आईपीएस, ये आप लोगों को पता ही है किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू ये थी। तो इस तरीके से जो है एसएससी जीडी के आपके एग्जाम में जो है सवाल रहेंगे जीके जीएस के, ये जीके के है, ठीक है, जनरल नॉलेज जिसे कहते हैं ये उसके सवाल है। और अगर आप थोड़ा सा इसका पैटर्न अगर समझोगे किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको जो है जीके का जो भी है जनरल नॉलेज का जो भी है पूरा एक पैटर्न ही आपके सामने खुल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से वीडियो अगर लाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस तरीके से वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, फिर आपको क्या क्या पढ़ना है ये सब सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। और सेम वीडियो मैं जीएस के लिए भी लेके आऊँगा, जनरल साइंस के लिए भी, किस तरीके से सवाल होते हैं क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बता देना, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लाता रहूँ, अगर आपको पसंद आया तो, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।